नमस्कार दोस्तों, आज चलिए बात कर लेते हैं अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस के बारे में। और आज मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं सिर्फ हिंदी में ही बात करूं। ताले क्यों हमियो बांग्ला में कथा बोलबो? नहीं। वैसे इस नमूने का नाम आकाश है और ओर नाम आरिफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 21 साल से 21 फरवरी को यूनेस्को आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस का पालन कर रहा है ताकि सब अपने मातृभाषा में शिक्षा का लाभ उठा पाए। किंतु रे कोड़ा की दरकार সেটা তো বুঝলাম না। पूरे दुनिया में 7000 से भी ज़्यादा भाषा है। केवल भारत में 1635 मातृभाषाएं हैं और 22 आधिकारिक भाषा है। बुझलाम। यूनेस्को बता रहा है कि 3000 से भी ज़्यादा भाषाएं विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग अपने भाषा को संरक्षित और सुरक्षित रखें। तो क्या खटबे? अगर इतनी सी बात तुम्हें मुश्किल लग रही है तो भाषा दिवस कैसे स्टार्ट हुआ वो तुमको जान लेना चाहिए। तो ज्ञान चुटी बोलो की हुए छिलो। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। ये दोनों संस्कृति, भाषा एवं किस स्थान में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। पूर्व पाकिस्तान लोग सेटा मेने निलो? नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के आवाम इस बात से खफा हो गए और सरकार के विरुद्ध में वो रास्ते पे आ गए। क्योंकि ज़्यादातर लोग बांग्ला बोलते थे इसलिए सबने आंदोलन किया और मांग किया पाकिस्तान सरकार से कि बांग्ला को भी राष्ट्रीय भाषा में जोड़ा जाए। तरपोर की होलो? पर पाकिस्तान सरकार को ये मांग पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हर एक आंदोलन और विरोध पे पाबंद लगा दिया। और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन करना बंद नहीं किया, इन्होंने और भी बड़े बड़े सार्वजनिक बैठक करना शुरू कर दिया। फिर 21 फरवरी 1992 पुलिस ने जनता पे गोली चला दी जिसमें से बहुत लोग घायल हो गए और कई लोगों की जान भी चली गई। ताले कि बांग्लादेश लोग हार में नहीं? लोग नहीं, आंदोलन तो चलता ही रहा और पहले से और भी बड़ा हो गया। और 1956 में पाकिस्तान सरकार दबाव में आके बांग्ला को मान्यता देना ही पड़ा। दोम अच्छे गुरु। और इन्हीं लड़ाइयों की वजह से 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी भी मिल गया। तब से 21 फरवरी को इन शहीदों की याद में भाषा दिवस का पालन किया जाता है। किंतु आरेकटा प्रश्न आछे, यूनेस्को हठात ये दिन पालन करना शुरू कर लो क्या? 1998 में रफीकुल इस्लाम ने यूएन को एक चिट्ठी लिख के बताया कि मातृभाषा का महत्व क्या है, और इसीलिए यूनेस्को साल 2000 से आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस का पालन कर रहा है। वाह भालो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मातृभाषा या बांग्लादेश के लड़ाई के ऊपर और वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने मातृभाषा पर गर्व महसूस हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस। आमी बांग्लाय गान गाय, आमी बांग्लार गान गाय, आमी आमार आमी के चिरदिन एही बांग्लाय खोजे पाई। आमी बांग्लार गान गाय, आमी बांग्लाय गान गाय, आमी आमार आमी के चिरदिन एही बांग्लाय खो।